नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो आपको बताते चले कि सनबीम स्कूल का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। पवित्र नगरी अयोध्या के कैंट इलाके में बने सनबीम स्कूल में स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की मौत का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। तो वही छात्रा के गिरने के वीडियो ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। तो वही दूसरी तरफ एक के बाद घटना से संबंधित एक नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस तरीके से इस छात्रा की मौत हुई है, आखिर क्या छात्राएं स्कूल में सुरक्षित है या नहीं है। और जो वीडियो सामने आए हैं उस वीडियो को भी देखते हुए हमारे इस रिपोर्ट को समझने का प्रयास करिए। अयोध्या के कैंट क्षेत्र में बने सनबीम स्कूल में छात्रा का संदिग्ध तरीके से गिरना भी एक बड़ी अनहोनी या साजिश की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। पहले जारी हुए वीडियो में केवल स्कूली छात्रा का छत से गिरना दर्शाया गया है, तो वहीं अब वीडियो में छात्रा के गिरने के बाद उसे एक युवक कंधे पर उठाकर भागना और उसके पीछे महिला का भाग कर जाना भी अपने आप में किसी पहेली की तरफ इशारा कर रहा है। घटना के बाद से ही पूरे मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई है और वह गहनता से जांच में जुट गई है। बेटी नहीं है बोझ किसी पर, होता है सबका आधार। पढ़ लिख कर जब वो शिक्षित तो देती है जीवन को आकार। इसी उम्मीद में एक छात्रा के परिजनों ने उसे स्कूल भेजा। उसके बाद स्कूल में तकरीबन 9:30 बजे उसकी मौत हो जाती है। मौत वो भी दर्दनाक मौत, 3 मंजिले के माले से गिरने के बाद मौत, वो भी तड़पने के बाद मौत। इसी पूरे घटनाक्रम में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक है वो बेटी को उठा के ले जा रहा है, उसके पीछे एक औरत, एक महिला भाग कर आती है और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों स्कूल से ही जुड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी के आदेश पर एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी ने तकरीबन 12 घंटे जांच की और कई साक्ष्य जुटाए। उस दौरान उस लड़की के परिजन भी वहाँ मौजूद थे और साक्ष्य दौरान मैनेजर से लेकर प्रिंसिपल से हर व्यक्ति से पूछताछ हुई, हर उस शिक्षक से पूछताछ हुई और कुछ छात्रों से भी पूछताछ हुई कि आखिर क्या वजह रही कि उस लड़की को कूदना पड़ा या फिर उसकी मौत का कारण क्या रहा। एसआईटी ने कल दोपहर 3 बजे से लेकर रात 3 बजे तक हर पहलू को खंगाला और जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस दौरान टीम ने स्कूल प्रबंधन से लेकर कुछ छात्राओं से बात की और आगे की भूमिका के बारे में भी समझना चाहा। वही मोबाइल के मिलने से भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि क्या मोबाइल में छुपे राज कुछ बयां करेंगे या नहीं। टीम ने प्रबंधन के 4 लोगों के खिलाफ पॉक्सो समेत गैंगरेप जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूरी घटना का खुलासा जल्द कर सकती है। एसआईटी को तलाशी के दौरान उस छात्रा का मोबाइल भी मिला है, चश्मे मिले हैं और उस मोबाइल को फिलहाल अभी एसआईटी नहीं बता पा रही है कि मोबाइल ऑन है या ऑफ है। और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें मैनेजर भी हैं, गेम टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी है। हालांकि फिलहाल इन सब के ऊपर पॉस्को एक्ट गैंगरेप की धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं जहां तक ये लगता है कि लखनऊ से लैब विशेषज्ञ की टीम भी बहुत जल्द पहुंच सकती है और एसआईटी शायद इस पूरे सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। देखने वाली बात यह कि कहीं ना कहीं 4-5 महीने पहले प्रिया राठौर नामक जो छात्रा थी उसकी मौत भी इसी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर लगा दी। उसके बाद परिजन जो है संतुष्ट नहीं। हालांकि बात करेंगे अयोध्या की तो यहां पर परिजन लगातार एसआईटी के संपर्क में हैं और एसआईटी उनको साथ लेकर जांच कर रही है। और फिलहाल देखना ये भी दिलचस्प होगा कि एसआईटी का कहना ये है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा हो सकता है और खुलासा होगा तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो भी लोग जुड़े हैं उन पर पूरी तरह से लगाम लगाना जरूरी है। कैमरामैन अरविंद के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। तो सनबीम स्कूल में स्कूल की छत से जो छात्रा की गिरकर मौत हुई थी उसका लगातार अब जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं जो स्कूल की छात्राएं हैं उनसे भी बात की जा रही है, साथ ही साथ जो इस मामले पर गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि
हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा ले सके, अपने भविष्य को सुधार सके, लेकिन अगर स्कूलों में ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो आखिर बच्चे अपने भविष्य को सुधारे या फिर अपनी जान की रक्षा का जिम्मा भी अब उन्हें स्कूल के अंदर खुद ही लेना पड़ेगा, सवाल बड़ा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।